कांच की बैग, ये एक्सपांडेबल बैग है और इसके लिए हमने ये बैग का ही मटेरियल लिया है। यहाँ आप अस्तर के साथ भी कोई भी फैब्रिक लेके ऐसी बैग आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बैग का मटेरियल लिया है क्योंकि हमने इसके साथ अस्तर नहीं डाला है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे बैग के मटेरियल मिलते हैं तो ऐसी बैग आप बना सकते हैं, इसके साथ अस्तर की कोई ज़रूरत नहीं। पहले हम बेल्ट बनाएंगे। ये बेल्ट के हमने 26 इंचेस के दो पीसेस कटिंग किए हैं और कभी भी हम ऐसे बेल्ट लेते हैं तो इसको हमें ऐसे साइड से हम पहले लॉक करेंगे, ऐसे ऐसे दोनों साइड में हमें लॉक करना है। और इसके बाद एक साइड में हम इसके फैब्रिक जोड़ेंगे और ये हमने 2.25 इंचेस के दो पीसेस कटिंग किए हैं दो बेल्ट के लिए, और ये बेल्ट 1.25 इंचेस का है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, छोटा सा एक फोल्ड, ये हम ऐसे रखेंगे, देखिए यहाँ एक साइड में, और इसके ऊपर हमें यहाँ से यहाँ सिलाई करेंगे हम। ऐसे हमने एक साइड की सिलाई की, दूसरी साइड की सिलाई करने के लिए हमें इस तरह से ही ऐसे ही फोल्ड हमें करना है, देखिए ऐसे, और ऐसे दूसरी साइड में हम रखेंगे और इसके ऊपर हमें ऐसे सिलाई करना है, देखिए ऐसे हमने ये दोनों बेल्ट बनाए हैं। बेल्ट बनाने के बाद एक हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है, इसकी हाइट है 32 इंचेस और इसकी विड्थ है 30 इंचेस। ये 32 इंच की साइड है और ये 30 इंचेस की साइड है, तो यहाँ हमने सेंटर का मार्क किया, सेंटर से 3 इंच एक साइड में, 3 इंच एक साइड में, ऐसे हमने पूरे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है। फिर से एक बार बताती हूँ, ये 32 इंचेस की साइड है और ये ज़िपर हमने 32 इंचेस की ली है। ये हमने 5 नंबर की ज़िपर ली है, लेकिन ये बैग बनाने के लिए आप 8 नंबर की ज़िपर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ सेंटर का मार्क है, सेंटर से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच, और ये 32 इंच है और ये 32 इंचेस की ज़िपर है। ये ज़िपर की सीधी साइड हम यहाँ जो सेंटर से 3 इंच का जो मार्क है यहाँ हम ऐसे रखेंगे, ये जो मार्क है इसके ऊपर देखिए हमने ऐसे रखा और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने एक साइड की जीपर ज्वाइन की, इसके बाद ये जीपर हम सेपरेट करेंगे। यहाँ जोड़ेंगे, देखिए ये जिप की सीधी साइड है, ये हम ऐसे नीचे रहेगी, जैसे हमने ये जिपर ज्वाइन की थी ऐसे ऐसे ही हम यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए ये जो मार्क था इसके ऊपर हमने ज्वाइन की थी, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ मार्क के ऊपर हम ऐसे रखेंगे, जिप की सीधी साइड नीचे की साइड में है, ये सिलाई करेंगे। देखिए ये ज़िपर ऐसे दोनों साइड से हमने जॉइन की है, यहाँ आपको मैं बता देती हूँ, देखिए ये ज़िप की सीधी साइड नीचे है, यहाँ से भी ज़िप की सीधी साइड नीचे है। इसके बाद हम ये फैब्रिक ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे देखिए ऐसे हमने सेंटर से फोल्ड किया, ये फोल्ड की हुई साइड है, यहाँ ओपन है, तो हमने ऐसे फोल्ड किया। इसके बाद ये ऐसे ज़िपर है, देखिए ऐसे हमने फोल्ड किया है, यहाँ कॉर्नर पर यहाँ से 3 इंच हम लेंगे, 3 इंच, ठीक है। इसके बाद इतना सिलाई में जाएगा तो यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, ये आधा इंच सिलाई का, और यहाँ हम ऐसे यहाँ से मार्क करेंगे, ठीक है।
ऐसा ही मार्क हम यहाँ करेंगे और ये मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। देखिए दोनों साइड में मार्क किया, मार्किंग के ऊपर हम ऐसे कटिंग करेंगे। ऐसे ही किया। ये दोनों साइड का कटिंग होने के बाद हम ये मार्क ऐसा ही, देखिए ये 3.5 इंचेस का जो मार्क है ऐसा ही हम ऊपर तक मार्क करेंगे 9 इंचेस तक। देखिए ये 9 इंचेस तक हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ऐसे ही लाइन ड्रॉ हमने यहाँ पर की है और ऐसे ही हम यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। इसके बाद हमने ये 2 पीसेस लिए हैं 9 इंच बाय 7 इंचेस के, ये 2 पीसेस हैं, उसमें से हम एक पीस लेंगे। देखिए ऊपर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे, एक ही फोल्ड हमने किया है क्योंकि ये बैक का ही फैब्रिक है तो ये थ्रेड इसके नहीं निकलते हैं, इसके लिए हमने एक ही फोल्ड किया ऐसे। और यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे ऐसे ही, ये दूसरा जो पीस है इसके ऊपर हम इतना फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ऊपर से सिलाई की, ये जो दोनों पीस है इसके ऊपर ऊपर की साइड में हमने सिलाई की। इसके बाद ये हमने ऊपर तक लाइन ड्रॉ की है, ये एक साइड हम लेंगे, दूसरी हम साइड में करेंगे। देखिए ऐसे हम यहाँ से ये जो मार्क है ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, पाव इंच अंदर जाएगा। देखिए ऐसे ये लाइन ड्रॉ की है, इसके अंदर ये 1/2 इंच हम अंदर की साइड में ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये जो कट की हुई साइड है यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1/2 इंच अंदर जाएगा ये फैब्रिक और ये जो लाइन है इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। देखिए हमने ये एक साइड में यहाँ से यहाँ तक सिलाई की, यहाँ तक। इसके बाद दूसरी साइड सिलाई करने के लिए देखिए ऐसे हमने लिया और ये जो इसकी दूसरी साइड है ये साइड देखिए ऐसे हम ऐसे रखेंगे। देखिए ऐसे ये जो मार्क है इसके अंदर 1/2 इंच हम अंदर की साइड में रखेंगे, यहाँ से हम ऐसे मशीन में रख सकते हैं। देखिए ऐसे मशीन में रखेंगे, ये जो मार्क है ये ऐसे मार्क के ऊपर हम सिलाई करेंगे, 1/2 इंच इसके अंदर जाएगा फैब्रिक, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, यहाँ हम लॉक करेंगे। देखिए ऐसे हमने एक दाब हमें ऐसे ही रखना है ये फैब्रिक के कॉर्नर पर। और ये मार्क है इसके अंदर हमने ये फैब्रिक इतना 1/2 इंच जितना अंदर की साइड में रखा, देखिए यहाँ हमने लॉक किया। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड की पॉकेट्स जॉइन की है ऐसे। ये होने के बाद ये दोनों साइड हम जोड़ेंगे, जैसे हमने 1/2 इंच का मार्क किया था सिलाई के लिए, ये हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। ये पॉकेट हमें ऐसे ही अंदर की साइड में रखना है और ये यहाँ जोड़ेंगे और ये साइड हम ये पॉकेट अंदर रखा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड की सिलाई की। इसके बाद सिलाई के बाहर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम पहले कटिंग करेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर पाइपिंग करना है, दोनों साइड का हमें कटिंग करना है। देखो कटिंग होने के बाद ये हमने तैयार पाइपिंग ली है, ये पाइपिंग हम ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे और इसके ऊपर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने पाइपिंग की है,
ये बैग हम फिनिशिंग से कैसे बना सकते हैं ये हमने इस वीडियो में दिखाया है। आप वीडियो एंड तक देखिए। देखिए ये पाइपिंग होने के बाद ये हमने पॉकेट अंदर की साइड में रखा था, ये हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड हमें ऐसे हम रखेंगे। देखिए तो ये अंदर का जो पॉकेट है ये वाला, तो इसके साथ जाएगा ऐसे। ठीक है, हमें तीनों को साथ में रखना है, तीनों को हम ऐसे साथ में रखेंगे। ये पॉकेट वाली साइड ऐसे, और चाहे तो पिन से जोड़ सकते हैं। ये कोई भी एक साइड में कीजिए और इसके ऊपर सिलाई हम करेंगे और ऐसे ही पाइपिंग करेंगे दोनों साइड में। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड से कॉर्नर पर पाइपिंग की है। और ये पाइपिंग होने के बाद हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, यहाँ हमने अस्तर का यूज़ नहीं किया है। ये 7 इंच बाय 13 इंच का ये फैब्रिक का पीस है और 7 इंच की जीपर, जीप की सीधी साइड हमने इसके ऊपर रखी। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद ये सिलाई नीचे रहेगी ऐसे, और यहाँ टॉप स्टिच। देखिए ऐसे हमने टॉप स्टिच किया। टॉप स्टिच होने के बाद यहाँ से हमने रनर डाला और यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से 1/2 इंच का हमने मार्क किया है और ये जीपर हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हम रखेंगे जो 1/2 इंच का मार्क है, और इसके ऊपर हमें सिलाई करना है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच का मार्क था, थोड़ा सा फैब्रिक हमने ऊपर की साइड में रखा और यहाँ कॉर्नर पर हमने सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद ऊपर की साइड हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ हम ये पाइपिंग ऐसे ऐसे यहाँ तक, और यहाँ आने के बाद ऐसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पाइपिंग हम लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे एक फोल्ड, ऐसे एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग करेंगे। ऐसे ही पाइपिंग यहाँ करेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ दोनों साइड की पाइपिंग की और यहाँ हमने सेंटर का मार्क किया है। ये पार्ट हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और ये इसको हम सीधी साइड करेंगे। ऐसे हमने सीधी साइड की। इसके बाद ये जीपर हम देखिए ऐसे, और ऐसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ से हमें एक रनर डालना है। यहाँ से हम एक रनर डालेंगे, दोनों को साथ में रखेंगे यहाँ से और यहाँ से। देखिए ऐसे हमने यहाँ से रनर डाला, और रनर डालने के बाद ऐसे फोल्ड करते करते ही हम दूसरी साइड तक आएंगे। और आपको मैं यहाँ पहले ही बताया था, ये यहाँ पर आप 8 नंबर की जिपर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बैग बड़ी है। देखिए यहाँ तक आने के बाद देखिए ऐसे हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रनर हम लेंगे, ये रनर हम यहाँ से डालेंगे। ऐसे हमने यहाँ से भी रनर डाला। दोनों रनर डालने के बाद यहाँ ये जो स्पेस है इसको हम ऐसे बॉक्स प्लेट करेंगे। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे हम दोनों साइड से साइड में ऐसे दो सेम स्पेस रहेगी। यहाँ चाहे तो आप पहले भी सिलाई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से बॉक्स प्लेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड में सिलाई की है, बॉक्स प्लेट की है, आप देख सकते हैं। और ये होने के बाद ये हमने सेंटर का मार्क किया, और ये जो जीप का सेंटर है वहाँ पर हम ये पॉकेट ऐसे जोड़ेंगे। देखिए ऐसे अंदर की साइड में, ये अंदर की साइड है, अंदर की साइड में हम ये जिप का जो सेंटर है वहाँ पर ये मार्क हम ऐसे रखते हैं। देखिए और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। यहाँ देखिए ये हमने ये पॉकेट जॉइन किया है, और ये पॉकेट जोड़ने के बाद यहाँ से 3 इंच
यहाँ से 3 इंच हमने मार्क किया, ऐसे ही यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 3 इंच। और जो हमने स्टार्टिंग में बेल्ट बनाए थे वो दोनों बेल्ट हम लेंगे 26 इंच के, ये दोनों बेल्ट हैं। देखिए इसको हमें ऐसे जोड़ना है, ये जो फैब्रिक जॉइन किया है ये साइड नीचे रहेगी, नीचे रहेगी, मार्किंग के बाहर हम ये बेल्ट जोड़ेंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सिलाई करेंगे, यहाँ सिलाई करेंगे, ऐसे ही ये दूसरा बेल्ट हम यहाँ जोड़ेंगे। ये प्रिंट फैब्रिक की साइड नीचे रहेगी, मार्किंग के बाहर हम ऐसे जोड़ेंगे, दूसरी साइड यहाँ। देखिए ऐसे हमने दोनों बेल्ट जॉइन किए हैं। इसके बाद हमने ये 4 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं 15 इंचेस बाय 2.5 इंचेस के, ये 4 पीसेस हमने लिए हैं। देखिए ये सीधी साइड, ये सीधी साइड हम एक के ऊपर एक रखेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है। वैसे ही इसके ऊपर ये दोनों सीधी साइड हम एक के ऊपर एक रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने यहाँ तक सिलाई की है, ऐसे ही इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं वहाँ तक हम ये यहाँ हमने कटिंग किया, वैसे ही ये साइड हम यहाँ से यहाँ तक हम हमने कटिंग किया, वैसे ही ये दूसरी साइड कटिंग करेंगे। चाहे तो यहाँ एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो भी यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं। देखिए ऐसे कटिंग, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग किया, इसके बाद हम यहाँ से सीधी साइड करेंगे अच्छे से। यहाँ से भी हमें कॉर्नर बाहर निकालना है ऐसे। देखिए ऐसे हमने सीधी साइड के अच्छे से हमने ये चारों कॉर्नर्स बाहर निकाले हैं। और इसके बाद 21 इंचेस के हमने ये ज़िपर ली है। देखिए ये ज़िप कैसे जोड़ना है ये मैं बता देती हूँ। ये 21 इंचेस की ज़िपर ली है और ये साइड इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच नहीं किया है, यहाँ से हम जोड़ेंगे, सीधी साइड ऊपर रहेगी। इससे पहले हम ये ज़िप ऐसे थोड़ी सी सेपरेट करते हैं। देखिए एक साइड सीधी साइड ऊपर है, यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से 1/2 इंच यहाँ तक, यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई की, इतनी स्पेस हमने छोड़ी है। इसके बाद ये ऐसे है ज़िपर, हम ऐसे करेंगे। देखिए ऐसे हमने फोल्ड की तो सीधी साइड यहाँ बाहर की साइड में गई, तो यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से लॉक किया, ज़िप के ऊपर हमने सिलाई ली। देखिए इसको हमें ऐसे हाथ से प्रेस करना है ऐसे। यहाँ से देख सकते हैं ये ज़िपर कितनी यहाँ तक है, और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। दूसरी साइड जोड़ने के लिए ये हमने ज़िप यहाँ तक ही सेपरेट की है, ये बाकी की वैसे ही है, क्योंकि कभी कभी हम ज़िप पूरी सेपरेट करते हैं तो ये उल्टी साइड जॉइंट हो सकता है, तो ये हमें ऐसे ही रखना है। इसके बाद ये दूसरा पीस हमने लिया, देखिए ये साइड, और यहाँ पर ये ज़िप की सीधी साइड है, ये सीधी साइड है, ये हम ऐसे जोड़ेंगे यहाँ से, जैसे हमने यहाँ जॉइन की थी
चाहे तो पिन से पहले जोड़ सकते हैं। देखिए ऐसे, यहाँ आने के बाद पाव इंच जितना हमने ऐसे छोड़ा था, इसको हम ऐसे टर्न करेंगे। ऐसे देखिए, यहाँ तक आने के बाद ये पाव इंच जितनी हमने सिलाई की, पहले हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे, इसके बाद ऐसे टर्न, ऐसे जैसे हमने यहाँ किया था, और ये टर्न करने के बाद ये सीधी साइड बाहर रहेगी, और इसके ऊपर यहाँ हमने हम पिन से जोड़ते हैं। देखिए इसके ऊपर हम रखेंगे और आगे तक इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, यहाँ हम लॉक करके बाहर आएंगे, फिर से यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है। देखिए ऐसे भी इसके ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई की, यहाँ से क्लिप हमने निकाल दिया, ये सीधी साइड नीचे की साइड में है। इसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे ऐसे, देखिए यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये हम ऐसे टर्न करेंगे, दोनों को एक ही लाइन में हमें ऐसे रखना है। देखिए ऐसे, और यहाँ से भी जैसे मैं यहाँ सिलाई कर रही हूँ वैसे ही हमें यहाँ दूसरी साइड में भी सिलाई करना है। ये ऐसे यहाँ से देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए ऐसे ये पीस ऐसे बना है। इसके बाद यहाँ दोनों नीचे की साइड में भी हमने सिलाई की, इसके बाद यहाँ से ऐसे हम फोल्ड करके सेंटर का मार्क करेंगे, ऐसा ही मार्क हम यहाँ करेंगे दोनों साइड में, हमें ये सेंटर का मार्क हमें करना है ऐसे। देखिए ये मार्क करने के बाद ये बैग हम लेंगे। देखिए ये जो पॉकेट की साइड है तो ये ऐसे ऐसे रहेगी, ये ज़िपर की साइड ये साइड में, तो ये मार्क हम ऐसे रखेंगे सीधी साइड नीचे की साइड में, तो ये मार्क और ये ज़िपर का सेंटर हम ऐसे साथ में ऐसे रखेंगे, चाहे तो पिन से जोड़ सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने एक साइड यहाँ से यहाँ तक हमने जॉइन की, इसके बाद ये साइड हम ऐसे यहाँ सेपरेट करेंगे और ये साइड यहाँ जोड़ेंगे। देखिए ये ज़िपर और ये ज़िपर हम ऐसे साथ में रखेंगे, ये मार्क यहाँ यहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये दोनों ज़िपर एक साइड में होने चाहिए। देखिए ऐसे हमने ये दोनों साइड जॉइन किए हैं, और ये जोड़ने के बाद ये हम पाइपिंग लेंगे। देखिए ऐसे ही हम ऐसे रखेंगे ऐसे, ठीक है, और ऐसे हमें मशीन में रखना है, और पूरे यहाँ से ऐसे यहाँ से फिर यहाँ तक हम पाइपिंग करेंगे। ये पाइपिंग हम ऐसे साइड से भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं। ये हमने जो साइड नीचे की साइड में जैसा हमने एक ये साइड में लिया था, तो ये हम ऐसे लेंगे ये साइड में, इसके ऊपर यहाँ से रखेंगे, साइड से करेंगे तो भी चलेगा। देखिए ऐसे
यहाँ से नीचे से हम सिलाई करके पाइपिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने पूरे राउंड में पाइपिंग की है। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ आने के बाद पाइपिंग हमने अंदर फोल्ड की और यहाँ से लॉक किया। ये होने के बाद हम ये ऐसे ऊपर करेंगे, बेल्ट हमें ऊपर की साइड में ऐसे रखना है, तो ये पाइपिंग नीचे जाएगी। देखिए ऐसे नीचे जाएगी, पाइपिंग नीचे जाएगी, और ये हम ये साइड में भी हमें ऐसे ही नीचे की साइड में ही रखना है। ये पार्ट इसे ऊपर की साइड में आएगा, बेल्ट ऊपर आएगा, और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। पूरे राउंड में हमें ऐसे टॉप स्टिच करना है, ये ऐसे ऊपर रहेगा, और ये टॉप स्टिच की सिलाई हम यहाँ करेंगे ऐसे इसके ऊपर। ये ज़िपर हमें साइड में रखना है, नहीं तो सिलाई में आ सकती है, तो यहाँ सिलाई आएगी इसके नीचे, यहाँ यहाँ ऐसे सिलाई आएगी। इसको भी हम ऐसे अंदर से अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई करेंगे। पूरे राउंड में हम ऐसे ही गोल सिलाई करेंगे। ऐसे हमने टॉप स्टिच किया, बेल्ट हमने ऊपर रखा। यहाँ आने के बाद हम देखिए यहाँ हम लॉक करेंगे। देखिए ऐसे हमने दाब सिलाई दी है, तो ये सब पाइपिंग अंदर गई। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉकेट, ये साइड की सिलाई, यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर से ये पाइपिंग की साइड अंदर गई है। तो ये बैग अंदर से भी अच्छी दिखेगी। इसके बाद दो मैग्नेटिक बटन हमने लिए हैं, ये बटन हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने फोल्ड किया, ये पाइपिंग की थोड़ी सी नीचे हम ये बटन के लिए मार्क करेंगे ऐसे थोड़ा सा नीचे। देखिए और ये बटन की बैक साइड हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और साइड में इसको मार्क करेंगे। देखिए ऐसे ही दो मार्क हमने किए हैं इसके ऊपर। हम ये हमने सिलाई निकालने वाला लिया है, इसको हम ऐसे छोटा सा पहले कट करते हैं, यहाँ से भी हम छोटा सा कट करेंगे। और ये मैग्नेटिक बटन की ये साइड हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे। ठीक है, और इसके ये हम इसके अंदर और ये ऐसे अंदर की साइड में प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये बटन जॉइंट हुआ है। जैसे हमने ये बटन जॉइन किया है वैसे ही हम ये ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे देखिए ये ऐसे फोल्ड किया, इसके ऊपर हमने इसे चौक, और ये साइड हम ऐसे रखेंगे यहाँ, यहाँ हमने मार्क किया, और ये बटन की दूसरी साइड ये साइड हम यहाँ जोड़ेंगे। और जैसे हमने ये साइड में बटन जॉइन किया है वैसे ही हम दूसरी साइड में यहाँ दूसरा बटन जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड में ये बटन जॉइन किया है यहाँ और यहाँ, और बटन जोड़ने के बाद हम यहाँ से रनर डालेंगे। देखिए इसको ऐसे दोनों को हम ऐसे साथ में रखेंगे ऐसे, और इसके अंदर हमें
रनर डालना है। इसके बाद ये जो कॉर्नर का फैब्रिक हमने कटिंग किया था वो हमने लिया, ये 3 इंच का है, ये 6 इंच और ये 3.5 इंच, इसको हमने इसे फोल्ड किया, यहाँ एक फोल्ड, यहाँ एक फोल्ड, ऐसे, और यहाँ हम एक सेंटर का मार्क करेंगे। आप ऐसे छोटा भी ये लॉक करने के लिए बना सकते हैं। यहाँ हमने 1 इंच का मार्क किया, सेंटर के एक साइड में 1 इंच, दूसरी साइड में 1 इंच, और ये हमने ऐसे ही कॉर्नर पर रखा, और ये हमने ऐसे ही यहाँ। इसके बाद हम यहाँ और यहाँ हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड से सिलाई के बाहर से हमने ये कटिंग किया है, यहाँ से भी सिलाई के बाहर से हमने कटिंग किया है, और यहाँ हम ये ज़िपर अंदर डालेंगे, इसके बीच में ऐसे रखेंगे। हमने इतनी ही ज़िपर अंदर रखी है, यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने सिलाई की, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है, तो हम यहाँ से ऐसे इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे, यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे कट करते हैं, और ये होने के बाद हम पाइपिंग लेंगे। देखिए यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से यहाँ तक हम पाइपिंग करेंगे, और जैसे हमने ये फोल्ड किया है ऐसा ही फोल्ड हम यहाँ करेंगे, दोनों साइड में हम पाइपिंग से जोड़ेंगे।